हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ हाउ टू कट 24 पैनल्ड अनारकली, जिसका नाप इस प्रकार है। कुल लंबाई है 42 इंच, तीरा 13 इंच, मुड्डा 7 इंच, सीना यानी चेस्ट है 34 इंच, कमर की लंबाई 13 इंच, कमर है 28 इंच, हिप की लंबाई 21 इंच, हिप है 36 इंच और अनारकली का पूरा घेर है 72 इंच। अगले गले की लंबाई है 6 इंच, पिछले गले की लंबाई है 5 इंच, गले की चौड़ाई है 6 इंच, बाजू की लंबाई है 14 इंच और बाजू का घेर है 4.5 इंच। आज मैं इसकी कटिंग जो है वो पहले एक रफ कपड़े पे बनती है, क्योंकि इसमें हम पैनल्स बनाते हैं। पैनल्स का मतलब होता है कलियां। तो पहले हम रफ कपड़े पे ड्राफ्टिंग करेंगे, फिर पैनल्स कैसे काटते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। 24 पैनल अनारकली की ड्राफ्टिंग जो है पहले अलग कपड़े पे की जाती है, फिर कलियां बना करके अपने मेन कपड़े पर हम उसकी जो है कटिंग करते हैं। तो मैंने ये बुकरम का जो है पीस लिया है, आप कोई अलग कपड़ा भी ले सकते हो। तो सबसे पहले इधर से एक साइड से 2.5 इंच लंबी एक लाइन लगाते हैं अपनी जो है ड्राफ्टिंग शुरू करने से पहले। उस इस लाइन पर हम जो है अब ड्राफ्टिंग करेंगे। सबसे पहले मैं इस लाइन पर अपनी पूरी लंबाई -5 इंच का एक निशान लगाती हूँ। लंबाई है 42 और उसमें से माइनस करेंगे 5 तो हो जाएगा 37 इंच। ठीक है, ये लंबाई, ये निशान लगाया। ये मैंने इसलिए माइनस किया है क्योंकि मैं इस कपड़े और लैस से इसके नीचे एक लैस लगाऊंगी ताकि इसमें कोई झोल ना आए और थोड़ा सा गेटअप भी अच्छा आए। उसके बाद इस लाइन से हम चौड़ाई की तरफ जाएंगे। यहाँ से लेंगे सबसे ऊपर से तीरे का आधा प्लस आधा इंच। तीरा है हमारा 13 इंच यानी 13, उसका हाफ हो जाएगा 6.5 प्लस हाफ बन जाएगा 7 इंच। यहाँ एक मार्क लगाएंगे। उसके बाद इसी मार्क से हम डाउन जाएंगे अपना मुड्डे की लंबाई लेने के लिए। मुड्डा है हमारा 7 इंच मार्क, तो ये 7 इंच पे मार्क करेंगे। फिर दोबारा इसी लाइन से, क्योंकि यहीं से हम ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, तो यहाँ से एक लेंगे 7 इंच जो हमने ऊपर लिया था और एक लेंगे उससे हाफ इंच कम जो हम अगली काट के लिए लेते हैं, और इन दोनों निशानों को हम ऐसे स्ट्रेट लाइन में मिला देंगे। ये नॉर्मल हमारे कमीज की ड्राफ्टिंग की तरह बनता है। फिर इसी निशान से हम सीने का 1/4 प्लस 2 इंच लेंगे। सीना है हमारा 34, 34 का 1/4 हो गया 8.5 और उसके आगे 2 इंच एक्स्ट्रा यानी कि 10.5। इन दोनों निशानों को हम मार्क करेंगे। ये हमारा स्टिचिंग लाइन है, ये हमारी कटिंग लाइन है। उसके बाद हम सबसे ऊपर रखेंगे, यहाँ से लेंगे हम अपनी कमर की लंबाई प्लस हाफ इंच। कमर है हमारी 13, 13 प्लस हाफ हो जाएगा 13.5 और यहीं से इंची टेप को रखते हुए हम अपनी हिप लेंथ प्लस हाफ इंच भी ले लेंगे, वो है हमारी 21 प्लस हाफ हो जाएगा 21.5। ये कमर की लंबाई पर हम इधर से इसी निशान से जो है कमर का 1/4 प्लस 2 इंच लेंगे। कमर है हमारी 28 का 1/4 हो जाएगा 7 प्लस 2 इंच 9 इंच। उसके बाद हम हिप लेंथ पे आएंगे, यहाँ पर भी हम हिप की लंबाई हिप का 1/4 प्लस जो है 1.5 या 1 इंच लेंगे। तो हिप है हमारे 36, उसका 1/4 हो जाएगा 9 और प्लस 1.5 हो जाएगा 10.5 इंच। अब हमारे पास ये निशान है, हम इन निशानों को ऐसे और ऐसे मिलाएंगे। ये लाइंस को हम ऐसे मिलाने के बाद अब सबसे नीचे आते हैं। ये हमारी जो लंबाई वाली लाइन है, इस पर हम लेंगे अपने घेर का 1/4 प्लस 1 इंच। घेर है हमारा 72 इंच, उसका 1/4 हो जाएगा 18
प्लस वन हो जाएगा 19 इंच। अब ये अंदर वाले निशान को हम 18 से मिलाएंगे और बाहर वाले निशान को हम 19 से मिलाएंगे। ये यहाँ से थोड़ा सा स्ट्रेट नहीं होता है, इसको हम यहाँ से ऐसे ए शेप में मिलाते हैं दोनों लाइंस को, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से यहाँ नापते हैं, ये हमारा है 16 से 2 पॉइंट कम, ठीक है, 16 से 2 पॉइंट कम है ये। तो हम इस लाइन से इधर भी 16 से 2 पॉइंट कम लेंगे ऐसे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये हमारी जो है कमीज़ की चोंच टाइप बन जाएगी, तो वो अच्छी नहीं लगती है। और इस लाइन से, ये हिप लाइन से हम ऐसे इसको कर्व बनाते आएंगे 16 से 2 पॉइंट कम लेते हुए, इस तरह ऐसे। और जहाँ ये जा कर के मिल जाएगा 16 से 2 पॉइंट कम, हम वहाँ इस लाइन को ऐसे मिला देंगे। तो ये हमारा ऐसे करके कर्विंग लाइन बनती है, ताकि हमारा जो नीचे का घेर है वो सही बने। नीचे का कर्व बनाने के बाद हम यहाँ से अपनी बाजू की भी गोलाई देते हैं ऐसे, ये बैक गोलाई है, और थोड़ा सा आगे आके हम ये फ्रंट गोलाई देते हैं इस तरह से। उसके बाद हम यहाँ से, ये जो हमारी हमने लाइन बनाई थी उससे हम यहाँ से यहाँ नापेंगे। इसका जो भी हमारा सीना आता है, जो भी हमारी कमर आती है, और जो भी हमारा हिप आते हैं, और जो भी हमारे घेर आते हैं, इन सब पार्ट्स को हम 6 से डिवाइड कर करके निशान लगाएंगे। पहले सबसे पहले हम सीने वाले पार्ट में आएंगे। सीना है हमारा 34, उसका 1/4 है 8.5, तो उसको हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 से थोड़ा सा कम आएगा, तो 1.5 से मैं 1 पॉइंट कम निशान लगा रही हूँ। उसके बाद हम आ जाएंगे कमर पर। कमर है हमारी 28 का 1/4 होता है 7, और 7 का को 6 से डिवाइड करेंगे तो 1/6 आएगा, तो मैं 1.14 पे इसको लगा रही हूँ, ठीक है, 1.25 इंच मार्क पे। और उसके बाद आते हैं हम हिप पर। हिप है हमारे 36, उसका 1/4 हो गया 9 का को भी अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1.5 इंच। अब हम आएंगे घेर पे। घेर है हमारा 72 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 18, और 18 को हम अगेन जो है 6 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 3 इंच, लेकिन इसमें जो है हम निशान घेर की साइड से लगाएंगे। घेर की साइड से ये जो हमारा स्टिचिंग वाली लाइन है उससे हम 3 इंच के निशान लगाएंगे ऐसे, 3 इधर 3 ये 3 ये 3 ये, नेक्स्ट अगेन 3, 1 2 3 4 5। अब ये 3 इंच निशान हमारा इस ये 2.5 इंच वाले निशान से बाहर निकल गया है, तो हम ये निशान यहाँ लगाएंगे। ये एक्स्ट्रा कपड़ा इसीलिए लिया जाता है कि ये घेर जो कली का जो घेर है वो हमारा आगे की तरफ भी ज्यादा आता है। उसके बाद हमने ये सारे जो 6 हिस्सों में हमने डिवाइड किए थे, हमने इनको लाइन लगा के ज्वाइन कर दिया है। अब जो है हमने इसकी कटिंग करनी है। कटिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, ये कली 1 2 3 4 5 तो सिमिलर हैं, मतलब एक जैसी हैं, ये 6th जो कली है, जो हमारी साइड वाली कली है, ये अलग है। तो हम इसके लिए 5 कलियों को हम जो है 20 कलियां हमने काटनी है, तो हम एक कली को काटेंगे और उसी के 20 जो है उसी को रख करके पिनअप करके हम 20 कलियां काट लेंगे। तो पहली कली को काटने के लिए हम इस लाइन से, जो इस लाइन है, इस लाइन से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, यहाँ से यहाँ हम ऐसे 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और इस लाइन को हम काटेंगे ऐसे 1/2 इंच एक्स्ट्रा के मार्क लगा करके यूं, और इस लाइन को हम काट देंगे ऐसे इधर से, और इधर से भी हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। ये हमारा सिलाई का मार्जिन होता है, जब हम कलियाँ जोड़ेंगे तो हमें कपड़ा चाहिए उसके लिए ऐसे। फर्स्ट वाली कली को हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्क करके इसको पिंक चौक से मार्क कर दिया है। अब हम इधर से जो हमारी ये साइड कली है इसको भी हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा
ऐसे मार्क करेंगे ऐसे, और इसको भी मैं पिंक चौक से कवर अप करके आपको इसके बाद इसकी कटिंग बताती हूँ। अब हम इस कली की और इस कली की कटिंग करेंगे, और 20 कलियाँ इस टाइप की काटेंगे और 4 कलियाँ इस टाइप की अपने कपड़े पर काटेंगे पिनअप करके। अब हमने इस कली को अपने इस कपड़े पे पिनअप कर दिया है। अब मैं इसकी साइड साइड से ऐसे कटिंग करूँगी, और ये 4 तहों में कपड़ा है मेरा, तो 4 कलियाँ बन जाएंगी। इस तरह मैं 5 बार इस कपड़े को पलट पलट के रखूँगी और काटूँगी, और ये हमारी 20 कलियाँ हो जाएंगी एक जैसी जो हमने बनानी है। इस प्रकार से इसकी कटिंग कर देंगे इसकी साइड्स पे। इधर से 4 कलियाँ काटने के बाद हम इसको अलग करते हैं, और अब इस जो अपनी ये वाली कली पैटर्न है हमारा, इसको ऑपोजिट साइड में वापस पिन अप करके इधर से ये एक्स्ट्रा कपड़ा काट करके इसके चारों तरफ से भी काट लेते हैं। इस प्रकार हम फिर थर्ड बारी में हम इसको इधर से पलट के यहाँ रखेंगे और ऐसे काटेंगे, फिर ऐसे काटेंगे, मतलब एक बार यहाँ कम होता है, अगली कली ये इस साइड से ऑपोजिट साइड से कटती है। इस प्रकार हम ये पूरी 20 कलियाँ काटने के बाद आपको साइड की कली काटना बताते हैं। कपड़े में से 20 पैनल्स काटने के बाद अब हम ये साइड पैनल्स के 4 पीस काटेंगे। ये कपड़ा 4 तहों में रखा हुआ है, तो हमने इसको पिन अप कर दिया है। अब हम इसकी साइड साइड में ये काट लेंगे, और इधर से हमारी बाजू बन जाएगी। ये बाजू की ड्राफ्टिंग है जो मैंने पहले भी बहुत बार बता रखी है। तो बाजू काटने के बाद और ये काटने के बाद जो है हमारा ये कटिंग पूरी हो जाती है 24 पैनल अनारकली सूट की। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक नई कटिंग या एक नई स्टिचिंग आसान तरीके से समझाऊंगी। धन्यवाद।